हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फर्स्ट ऑनलाइन सेशन। वी विल प्रोसीड थ्रू रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स एंड विल अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल इन जी मैथ टैब, एंड वी विल इंशाल्लाह प्रोसीड विद योर ऑनलाइन क्लासेस ऑन दिस चैनल। ठीक है, यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल और यू मे फॉलो माई इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर्स हेयर। ओके, वट वी हैव स्टडीड सो फार वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड द बेसिस ऑन विच इंजीनियरिंग फिजिक्स लिटरली होल्ड द स्टेटस ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास हम इस इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स पे थे लास्ट टाइम, ठीक है, और इसमें हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है ना वो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो देखो, मैं आपको डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ साइंस व्हिच डिस्क्राइब्स एंड प्रेडिक्ट्स द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज। ठीक है, मैकेनिक्स आपका जो होते हैं ना, आपके आपकी कंडीशन ऑफ रेस्ट जो कि एक इसकी स्टडी होती है स्टैटिक्स की, और मोशन ऑफ बॉडीज जिसकी स्टडी होती है डायनामिक्स की। तो इसको जो है ना हमने वो इसके अंदर डील करना। तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकता है आपका, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल हो सकता है, आगे लेटर सब्जेक्ट्स आएंगे अगले सेमेस्टर्स में। तो कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिक्स का है, जिसकी बेस पे आप अपने बॉडीज को एग्जामिन करते हैं, बॉडीज की एग्जामिनेशन करते हैं कि वो बॉडी जब रेस्ट में है या इन मोशन में है तो उसकी क्या डायनामिक्स होगी, या उस उसमें क्या जो है ना आपके फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन की थी पिछले लेक्चर्स में। कैटेगरीज ऑफ मैकेनिक्स में आता है रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज होती हैं जो कि डिफॉर्मेबल बॉडीज नहीं होती, ठीक है, जिनकी जो जिनके तो दूसरे अगर मैं प्योर टेक्निकल में एक्सपेक्ट में बात करूं तो जो लेयर्स होती हैं, यानी कि जो जो सरफेस लेयर्स होती हैं, आप उस पे जब प्रेशर इंसर्ट करेंगे तो वो नेग्लिजिबल चेंज नहीं देती, अपनी अपनी मीन पोजीशन ज्यादा डेविएट नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम रिजिड बॉडीज कहते हैं। तो रिजिड बॉडीज जो होती हैं उसी के ऊपर ही हम स्टैटिक्स और डायनामिक्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन जैसे डिफॉर्मेबल बॉडीज आएंगी तो हमारे स्टैटिक्स और डायनामिक्स की जो फिलोसफी है वो चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से फ्लूड्स जो है वो भी इज अनदर टाइप ऑफ उसकी उनकी अपनी अलग से मैकेनिक्स होती है, ठीक है। तो ये इनका हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो आगे चल के देखेंगे। मैकेनिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल प्री रिक्विजिट फॉर देयर स्टडी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो मैकेनिक्स इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी जो है ना वो फिजिक्स जो है ना वो डील कर रही होती है, उसके ऊपर आपका जो है ना इफेक्ट्स जो है ना वो हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो ये इज मैकेनिक्स जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास ये आप लोगों ने सारे FSE में पढ़े हुए होंगे, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, स्पीड, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ये स्टैम्प, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये हमारे पास बेसिस हैं फॉर द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है। तो हम इसकी मदद से जो है वो हम आगे चलते हैं। तो इसको हम हर टॉपिक को इंडिविजुअली देखेंगे, मास को, लेंथ को, टाइम को, फोर्स को, स्पीड को, डेंसिटी को, ये सारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल होना चाहिए जिसकी मदद से आप फिजिकल चेंजेस को मेजर कर सकें। फिजिकल चेंजेस मतलब ऐसे तमाम इफेक्ट्स जिसमें आपको एक उनके मीडियम की चेंज होता हुआ नजर आए, ठीक है, कोई एक ऐसा मीडियम हो जिसको चेंज होता हुआ नजर आए। तो मैथ्स और ऐसी तमाम चीजों को हम लाजमी जो है वो कंसिडर करते हैं इफ यू हैव इफ यू हैव टू सी द एनर्जी चेंजेस, ठीक है। एनर्जी चेंजेस को भी देखने के लिए वी हैव टू डिस्कस द फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किए बगैर, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड्स बनाए बगैर यू कैन नॉट प्रोसीड विद योर फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको आपको शुरू में स्टैंडर्डाइज, जिसको आपको सिंबलाइज
या उनके स्टैंडर्ड जो है वो पहले सेट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मूव फर्दर इन टू द फिजिक्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो ना, आप देखो जैसे आप इफ यू बेबी बॉर्न होता है तो आप क्या करते हैं, उसके नेम रखते हैं और उसका नेम से बुलाते हैं, तो फिर आपको वो उस चीज़ से टैग हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपने जो जो से भी चीज़ को आपने एग्जामिन करना है, या किसी भी चीज़ को आपने एक डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, तो आपको उसके लिए क्वांटिटीज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए दीज आर द थिंग्स जो कि इनिशियली डिज़ाइन किया गया फॉर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है जी, मेजरमेंट क्यों किया गया है, इन अभी मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, इन ऑर्डर टू मेजर बिटवीन द डिफरेंट फिनोमेनास ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मेजरमेंट इज यूज्ड टू मेजर क्वांटिटीज, ऑब्वियसली आपने आपने एक आपने आपने बेसिकली उसकी क्वांटिटी मेजर करनी है, भाई वो कितना है, उसकी कितनी रेशियो है, वो सारा को सारा को मेजर करने के लिए यू शुड हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन क्वांटिटीज। ठीक है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्वांटिटीज। क्वांटिटी इज समथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड, साइज और अमाउंट, या वॉल्यूम ऑब्वियसली। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, साइज होगा, उसका उसका वेट होगा, एनीथिंग, उसके कोई उसकी कोई मेजरेबल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इन द लेट 18th सेंचुरी साइंटिस्ट यूज द मैट्रिक सिस्टम। द मैट्रिक सिस्टम इज अ प्रीकर्सर टू द एसआई सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको आपने इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एसआई इज बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो जो 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 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने फिजिक्स की फॉर्मेशन रखी, फाउंडेशन रखी, उन्होंने क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम्स बनाए। ठीक है, मतलब अब डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, मैट्रिक सिस्टम हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे, मतलब देखो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड्स को बेसिकली हम सेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर वो आपने सिस्टम को डिजाइन करना है, और सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपको क्वांटिटीज होनी चाहिए। सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज अ सिंगल मेजरमेंट सिस्टम कॉल्ड द ली सिस्टम इंटरनेशनल, डी एब्रिविएशन ऑफ एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। बेसिकली वो कहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से एसआई सिस्टम्स को यूज करते हैं। बीइंग क्वांटिटेटिव इन फिजिक्स रिक्वायर्स मेजरमेंट्स, ऑब्वियसली जब आप देखो आपके तरफ आपके पास दो टाइप ऑफ स्टडीज होती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव होता है उसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज अ सिंबल, यानी अब किसी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि उसको आपके उसकी मिकदार बतानी चाहिए आपको कि वो कितना है, तो वो चीज हमारे पास क्वांटिटी में चली जाती है, इन विच यू लिटरली काउंट द थिंग। ठीक है, आपको काउंट करना पड़ता है और काउंट करके उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि भाई आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि भाई ये एक फिजिकल चीज है मेरे पास, लेकिन है कितनी तादाद है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू गो इन टू द मेजरमेंट्स, इन टू द डिटेल ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो अब आपके पास जिस तरह एक हाइट है, एक वेट है 2.29 मीटर, 1/141 kg, तो मीटर इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइट, लेंथ और विड्थ, ब्रेथ। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास वेट है। ठीक है, आपने एक मेजरमेंट करना है तो आपके पास वेट होना चाहिए या मास होना चाहिए, बिकॉज वेट इज इन न्यूटन्स, तो मास जो था वो केजी में हमारे पास, तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं। अब आपने एक चीज को डिनोट करना है तो यू यू हैव टू एक्सप्लेन उसका एक उसका फिजिकल मीनिंग जो होगा वो ये है कि भाई आपके पास 2.29 हाइट है और उसका जो यूनिट है जिस चीज आपने उसको बुलाना है दैट इज बेसिकली मीटर, तो के मीटर, और इसी तरीके से आपके पास केजी भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बोथ नंबर एंड यूनिट्स आर नेसेसरी, बिकॉज नंबर भी आपको बताने पड़ेंगे और यूनिट भी, बिकॉज 2.29 इज द नंबर एंड द यूनिट इज मास, के जी जिससे आपने उसको बुलाना है, जिससे चीज आपको एक चीज में आप डिफरेंशिएट करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, फॉर एनी मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटीज। मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि जिससे आपने कोई एक सिनेरियो एक्सप्लेन करना है, कोई डेफिनेट करना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए आपके पास ये एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। नंबर प्लस यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी को आप हमेशा एक्सप्लेन करेंगे नंबर प्लस यूनिट, तो नंबर आपको 2.29 और यूनिट जो होगा वो आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। सही हो गया, होता नंबर ये है और यूनिट हमारे पास ये है। ठीक है जी, हाउ डू वी डिफाइन ऑल अदर यूनिट्स यूजिंग एन इक्वेशन दैट कनेक्ट्स द पैरामीटर्स हुज यूनिट्स वी विश टू डिफाइन विद अदर पैरामीटर्स हुज यूनिट्स आर नॉट। ठीक है, तो आप हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, हम इक्वेशन को कैसे लेते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली मर्ज कर देते हैं, इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन, इन डिवीजन, एनी काइंड जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकें किसी एक पूरे फिजिकल फिनोमेना को। ठीक है, तो फिजिकल फिनोमेना के अंदर इट शुड हैव या इस डेफिनेशन जो होगी वो इट कंप्राइज ऑफ मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज।
ठीक है, जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो वो कहता है कि आपने जिस पैरामीटर को एक्सप्लेन करना है तो आप उसको यूनिट के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एस साइज यूनिट्स द सिस्टम वाज प्रेजेंटेड इन 1960 बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ रीड्स एंड यूनिट्स एंड हैज बोथ बेस यूनिट्स एंड ड्रैग यूनिट्स। तो इसीलिए बेस यूनिट्स, आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस यूनिट्स और एक होता है ड्रैग यूनिट्स। ठीक है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। ठीक है, तो व्हाट आर द बेस यूनिट्स मतलब ड्राइव यूनिट्स। एंड बेस यूनिट्स ही होते हैं कि आपके पास एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया यूनिट्स का। ड्राइव यूनिट्स हैं कि उनकी मदद से आपने और चीजें निकालनी, जैसे कि आपके पास फर्स्ट यूनिट डेंसिटी है, डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम जो है ये आपके पास बेस यूनिट्स हो गए, और उसकी मदद से जो आप थर्ड एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं दैट इज बेसिकली द ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो इसके हम देख लेते हैं। देखें जिस तरह ये है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके मुताबिक उसके यूनिट्स हैं और फिर उसके मुताबिक उसके सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यूनिट्स हमारे पास ये आ गए। अब ये है बेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी मदद से आपने आगे जो है ना वो चलना है और चीज़ें निकालनी है। अब आपके पास आई है, तो आई इज द बेस यूनिट। अब आई के मदद से आप पावर निकालेंगे, पी इज इक्वल टू वी इन टू आई। जब आप अपने एफएससी में भी पढ़ा होगा हाउ टू कैलकुलेट पावर इफ यू हैव द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, तो इसके आप इस तरह अपनी पावर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की मदद से आप और बहुत सारे फिनोमेना को डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, तो मतलब ये सारी सारी चीज़ें हैं जो कि बेस यूनिट्स हैं। अब इस इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, कुछ और रिलेशन निकालने हैं जो कि आपके पास मीनिंगफुल हो, डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। जिस तरह एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, अब ये बेस यूनिट्स को यूज करते हुए आपने ये बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास जो है ना कुछ एसआई बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज हो गई। ठीक है जी, इस अब ये कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, आपने बहुत ज्यादा यूज की होंगी, एक्स ए, एक्स आर, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी। तो मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज होती हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं अपनी हायर क्वांटिटीज या अपने बहुत लेसर जो क्वांटिटीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मतलब आप अपने इतने ज्यादा जीरोज नहीं लगाने या आपने इतने ज्यादा पॉइंट के बाद जीरोज नहीं लगाने, तो मतलब आप शो कर सकते हैं इस तरह की फॉर्मेशन में कि भाई इतने जीरोज हैं, इतने 10^10। ठीक है, तो इसलिए हम ये अपने प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन, टू फर्दर एक्सप्लेन उनकी क्वांटिटीज को कि भाई वो कितना है। तो अब बेसिकली अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम राउंड ऑफ फिगर्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ फिगर्स में हमारे पास ये क्वांटिटीज को मर्ज करते हैं, ये क्वांटिटी को डाइवर्ज भी करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें जो है ये आप बेसिकली याद कर लीजिएगा आपको, ताकि आइडिया हो आप फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से होते हैं, सीजीएस सेंटीग्राम ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर इज लाइक 0.01 मीटर, ग्राम इज लाइक 0.0001 किलोग्राम। ठीक है, मतलब ये एक और सीजीएस सिस्टम है, आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, इस तरीके से किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करें, ये भी डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या चीजें चाह रहे हैं। तो मतलब 0.01 इज लाइक 10^-2 में। ठीक है, इसी तरह से ये होगा 0.3 10^10, तो ये आपके पास माइनस में होगा बिकॉज इट्स लाइक 1 से पीछे हैं इसके जीरोस। ठीक है, तो ब्रिटिश फुट पाउंड सिस्टम क्या है, और एवरीडे लाइफ सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओनली यूज्ड बाय यूएसए एंड सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजेस एसआई सिस्टम, वी विल नॉट यूज द ब्रिटिश सिस्टम इन दिस कोर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली अपने एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो ब्रिटिश यूनिट जो है सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द यूएस और इसके जो उनसे रिलेटेड है, तो वी विल नॉट यूज दम इन द कोर्स। लाइक कन्वर्जन है बिटवीन ब्रिटिश एसआई सिस्टम्स में, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम वी विल डिस्कस ऑन एसआई स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो एसआई स्टैंडर्ड्स में हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, द सेकंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ द मींस फॉर अ डे डिवाइडेड बाय 6400। ठीक है, सोलर डे अब रोटेशन है, ठीक है, और रोटेट कर रहा है और आपने उसका मीन लेना है, उसको डिवाइड कर देना है 6400 से। द मीन सोलर डे इज द एवरेज टाइम इट टेक्स द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है, मीन सोलर डे क्या होगा, बेसिकली एक एवरेज सा टाइम है जिसमें आप एक जो अर्थ है वो एक अपने एक्सिस के लिए एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो उस मीन सोलर डे का अगर हमने 6400 करना है तो दैट विल बेसिकली 1 सेकंड।
where does the 86400 comes from? 1 day is equal to 24 hours, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. जब आप इसे कन्वर्शन करेंगे तो एक डे में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, 86400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया बाय 86400 टू गेट 1 सेकंड, ठीक है? तो ये हमारे पास सेकंड की डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है, बेसिकली टाइम को हमने किससे शो करना है, सेकंड से। सेकंड इज बेसिकली द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टाइम, और साथ जो होगा 86400 इज लाइक अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है? 86400 आपकी अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस, आपको पता है मूव कर रही है, तो एक एक्सिस एक रोटेशन कंप्लीट करेगी एक मीन पोजीशन दूसरे मीन पॉइंट तक, मीन पोजीशन तक द इनिशियल जो इनिशियल पोजीशन आप लोगों ने उसकी फिक्स की हुई है, तो उसको आप 86400 से डिवाइड करें, दैट विल बिकम्स 1 सेकंड, ठीक है? स्टैंडर्ड सेकंड क्या है, न्यूएस्ट डेफिनेशन ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9192631770 ऑसिलेशंस ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ सीज़ियम एटम। ये इसकी स्टैंडर्ड सेकंड की आजकल न्यूएस्ट और क्लोजेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू है। ये हमारे पास ये होता है बेसिकली सीज़ियम एटम्स होते हैं जब उनके एनर्जी लेवल्स बेसिकली चेंज होते हैं फ्रॉम वन इनर मोस्ट शेल टू द आउटर मोस्ट शेल, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दे इमिट यूजली द रेडिएशन, या द रेडिएशन को बेसिकली एनर्जी फॉर्म में भी हम कहते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमने उस सीज़ियम एटम की एनर्जी चेंज के लिए हमने माइक्रोवेव एनर्जी यूज करते हैं, माइक्रोवेव हमने रेडिएशन को सुना होगा, तो आपको पता है ऑसिलेशंस को हम मेजर करते हैं थ्रू द फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हमने एक खास फ्रीक्वेंसी की एक वेव भेजी, और वेव जब आप कोलाइड करती हैं, आपने फ्यूजन फ्यूजन प्रोसेसेस पढ़े हुए होंगे, तो एनर्जी एमिट करते हैं वो, उनकी एनर्जी एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आता है। तो हमने एक माइक्रोवेव को इसके ऊपर स्ट्राइक कराया ऑन द सीज़ियम एटम, तो सीज़ियम एटम ने अपनी एनर्जी लेवल को चेंज किया। तो अगर आप के इतने फ्रीक्वेंसी या इतने ऑसिलेशन 9192631770 की माइक्रोवेव जाके इंसर्ट करती है उस एक सीज़ियम एटम के ऊपर, तो जो रेडिएशन एमिट होती है हम उस टाइम को, यानी कि जो आपने ये इतनी ऑसिलेशंस की भेजी और उसने रेडिएशन एमिट की, तो जो टाइम है दैट इज बेसिकली 1 सेकेंड, ठीक है? तो ये हमारे पास इसकी न्यूएस्ट डेफिनेशन है, दैट इज मोर मोर क्लोजेस्ट टू द एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ क्वार्ट्ज सिग्नल, ठीक है? तो ये बेसिकली क्रिस्टल क्लॉक्स होती हैं, तो ये बेसिकली आपके अपने पीसी में भी देखा होगा कि आपके पास एक आप जब मदरबोर्ड खोलें, मदरबोर्ड किसी को कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक यू विल हैव द ऑसिलेटर, नाम दिया जाता है ऑसिलेटर का, वाइट सी चिप होती है बेसिकली, बट शाइनी सा होता है उसकी सरफेस, ठीक है? तो वहाँ वो बेसिकली क्या करते हैं, वो क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा होता है, और क्लॉक पल्स बेसिकली यूज होता है, जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो आप पता चलेगा क्लॉक पल्स इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड अ वैल्यू जिससे आपके बाकी सिग्नल्स जो होते हैं वो इंटर रिलेट हो रहे होते हैं और वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी वैल्यूज को, ठीक है? तो क्लॉक पल्स जो होता है वो कंटिन्यूसली अपनी वैल्यूज जनरेट कर रहा होता है आफ्टर सम इंटरवल्स, वो इंटरवल जो होता है जितनी वो स्पीड से पीरियोडिक वाइब्रेशंस दे रहा होता है फ्रीक्वेंसी से, तो वो हम उसे कहते हैं दिस इज बेसिकली वन टाइम, वो या 1 सेकंड, ठीक है? जब फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1 बाय बेसिकली रेसिप्रोकल होता है ना टाइम पीरियड का, तो वो भी हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ अ डे, और नीचे आता है 0.02, ठीक है? तो बेसिकली एक दिन के अंदर वो चेक करता है कि हमारे पास ऑसिलेटर जो है वो कितने फ्रीक्वेंसीज है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो हमारे पास एक और तरीका कार है फॉर एक्सप्लेनिंग द सेकंड्स। डेफिनेशन ऑफ अ सेकंड बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सीज़ियम एटम, ये मैंने आपको बता दिया शुरू में कि भाई ये उसके ऊपर इंसर्ट करना है और वो फ्रीक्वेंसी से बेसिकली मेजर होता है, ठीक है? तो ये सीज़न क्लॉक्स इज अनदर डेफिनेशन, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या है हमारे पास, एक एक्सप्लेन कर दिया सेकंड, और इसी तरीके से लेंथ को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है? इसी तरीके से हम आगे फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन करते जाएंगे। हिस्टोरिकली मीटर वाज 1/10 ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर अलोंग द मेरिडियन लाइन, ठीक है? तो ये हमारे पास एक रेड में मेरिडियन लाइन है, और ये हमारे पास एक ग्रीन में जो है इक्वेटर है,
और जो ग्राउंड है हमारे पास दैट इज द बेसिकली द आउटरमोस्ट बाउंड्री सरफेस जो है वो अर्थ की, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आप नॉर्थ पोल से चले यानी कि ए पॉइंट जो है इज द नॉर्थ पोल, तो इक्वेटर तक जो आपकी लाइन जनरेट होगी दैट इज बेसिकली द मेरिड, जो कह सकते हैं कि हमारे पास ये लेंथ की डेफिनेशन है या एक मीटर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इट्स 1/10, ठीक है, तो इट्स 1/10 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो ये रेड लाइन है मेरे पास, ये जो रेड लाइन है ये आपने इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्ट कर दी, अब इसका भी 1/10 डिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली द 1 मीटर, ठीक है। ये बेसिकली आपने क्या करते हैं, ये हम इस तरह की चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये एक सेट डेफिनेशन हैं जो कि रिसर्चर्स ने, जो कि साइंटिस्ट ने आपको बना के दे दी। तो ये हमने देख लिया हिस्टोरिकली मीटर वॉज 1/10 ऑफ द डिस्टेंस, अगेन देखते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर अराउंड द मेरिडियन, ठीक है। ये इक्वेटर है हमारे पास, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली सबसे पहले, तो इस ये जो डिस्टेंस है इसका भी 1/10, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली 1 मीटर होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू ए बी ओवर 10, इस लाइन का भी 10th पोर्शन, ठीक है, तो बेसिकली 1 मीटर होगा। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914, ये बाकी कन्वर्जन है, एक 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 वन वन स्टैंडर्ड टू अनदर स्टैंडर्ड, ठीक है, हायर वैल्यूज को लोअर वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए, लेसर वैल्यूज को हायर वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दीज क्वांटिटीज। करंट डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर आज की सोचा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस सेकंड, वो कहता है कि आपने एक लाइट भेजी आपने वैक्यूम के अंदर इन विच यू हैव नो मीडियम, एयर नहीं है, वैक्यूम है, बिकॉज ऑफ लाइट ने जो डिस्टेंस मूव किया इतने सेकंड के अंदर 1/10 सेकंड, वो हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन है, तो पुरानी डेफिनेशन है वो डिफरेंट। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस लेंथ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। प्लैटिनियम रिडियम अलॉय स्टैंडर्ड मीटर इसका मटीरियल लेंगे वो, लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड मीटर कंपेयर्ड विद द वेव लाइट ऑफ अ रेड लाइट एमिटेड बाय द एटम्स ऑफ कैडमियम, ठीक है। तो इसको भी वो बेसिकली क्या है कि ये डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उससे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें निकालने की कोशिश की है। ये हमारे पास कुछ और भी डेफिनेशन है इसको आया है, सच आप याद कर लीजिएगा तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ मास, दिस इज डिफाइंड एज द मास इक्वल टू द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनियम इरिडियम मेड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ऑल अदर सिलेंडर्स आर मेड एज कॉपीज ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। अब एक प्लैटिनियम और इरिडियम का एक सिलेंडर लिया उन्होंने, ठीक है, और वो कहता है एक खास चीज को लेके उसने उसका मेजर करने की कोशिश की, तो जो उसका मास है दैट इज बेसिकली द मास 1 kg, ठीक है, प्लैटिनियम इरिडियम का ही उसने एक सिलेंडर बनाया और उससे एक मेजरमेंट लिया। मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितनी आपकी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा that is actually the mass. Mass is different from weight. Weight is a measure of gravitational pull on matter. Newton, the weight of an object increases as the gravity acts. देखें ये difference बड़ा clear है. तो mass जो है is the actual amount of matter या atoms joined together through some electrostatic forces. जो weight है basically is the gravitational pull. W is equal to mg. Dependent जरूर है आपके mass के ऊपर weight, but it also dependent on द ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि अब आपके मून के ऊपर डिफरेंट होगा, जैसे जैसे आपकी सरफेसेस डिफरेंट होंगी उसके ऊपर आपकी ग्रेविटेशनल पुल डिफरेंट होगा, तो उससे आपका वेट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वेट बेसिकली कह सकते हैं आपके ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, और मास जो होगा वो बेस यूनिट, ठीक है। तो सम मेजर लेंथ टाइम इंटरवल, अब ये डिफरेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सम मैसेज हैं कि भाई आपने बेसिकली कंपराइज करेंगे, आपने 1 ईयर को देखा अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल्स की और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सम लेंथ्स की, ठीक है, मतलब ये हर किसी ने थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस लेके और कुछ ड्राइव यूनिट ड्राइव वैल्यूज निकाली हुई हैं, कुछ बेस यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ, तो ये आप एज सच ऐसे ही हूबहू देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द प्रीसीन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब आपके पास एक खास वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास आपके पास उसका एक यूनिट है और उसकी एक खास वैल्यू है, एक नंबर है, तो नंबर की जो उसका हमने यूनिट था उसको तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया पिछले फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हुए, बट उसके साथ एक नंबर है, नंबर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा
नंबर को बेसिकली हमने किस 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 रूल के तहत, किस कैटेगराइज के तहत हम उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी फर्स्ट करें, आपके पास 3.2 है या 3.45 है या 3.89 है, तो ये अब जो पॉइंट के बाद फिगर्स हैं उसको हमने कैसे देखना है और उनकी वैल्यूज को कैसे राउंड ऑफ करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिसीजन इज एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ये आपको क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया था। यस, ये आपकी जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बिकॉज जब भी आप देखेंगे अपनी वैल्यूज को तो आपकी वैल्यूज में डिफरेंस, या आपकी वैल्यूज मतलब आपकी वैल्यूज कौन सी जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्यूरेसी का पता होना चाहिए। यानी आप फर्स्ट करें, यू हैव टू अचीव योर फाइव न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो लाइक इज 4.5, इट्स लाइक 5.5, तो आपकी वैल्यू कितने हद तक करीब आ रही है, दैट इज बेसिकली द एक्यूरेसी। हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। प्रिसीजन क्या है कि मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स आर वन टुगेदर। ठीक है, जब हमने डार्ट की एग्जांपल हमने की थी कि आपकी उस एक्चुअल वैल्यू के कितने आपने मेजरमेंट्स, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लिए आपने, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेने के बाद आपकी वैल्यू कितनी क्लोज क्लोज आ रही है आपस में, दिस इज बेसिकली द प्रिसीजन। ठीक है, ये डार्ट की एग्जांपल थी, आपको क्लास में भी हमने कराई थी कि आपके पास ये एग्जैक्टली पॉइंट है बट आप की वैल्यूज को पॉइंट अचीव नहीं करी, दैट मींस योर सिस्टम इज इनएक्यूरेट। ठीक है, बट आपकी वैल्यूज जो हैं जो आपने ट्राई कर रहे हैं वो करीब करीब हैं, दैट मींस योर सिस्टम इज, इसमें इस वाले केस में क्या है मेरे पास, इस वाले केस में मेरे पास आपका सिस्टम प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। इस वाले केस में जो सेकंड केस है मेरे पास, दिस वन, इसमें आपकी सिस्टम इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। देखो वैल्यूज जो है वो करीब करीब है, जो आप ले रहे हैं वैल्यूज वो करीब करीब है, जो आप डॉट्स मार रहे हैं वो करीब करीब है, इसमें आपके वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी, बिकॉज यू हैव अचीव सम एक्यूरेसी इन इन पॉइंटिंग योर डॉट्स इनटू द ग्रे सेक्शन। ठीक है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो हु इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, माय मेजरमेंट इज सेम 7.0 बुक, इसे 7.0 किया, 16.0 किया, 18.0 किया, 15.0 किया, आई मीन 15.5 किया, 15.0 किया, 15.2, 15.3, ऑब्वियसली जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादातर ली हुई हैं, दैट इज मोर प्रिसाइज। हमने इस तरह इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बट आप ये देखें कि ये 17 के करीब करीब नहीं है, दैट मींस ये प्रिसाइज तो है बट इज नॉट एक्यूरेट। लेकिन ये देखें, ये प्रिसाइज नहीं है बट इट हैज अचीव सम वैल्यू ऑफ 17, तो इसको हम somehow एक्यूरेट कह सकते हैं। ठीक है, the few simple rules to follow in deciding how many figures to keep all digits up to first doubtful one, पॉइंट के बाद आपने उसको चेक करना है कि वो कैसे है, डाउटफुल है, यानी कि पॉइंट के बाद एक चीज है वो डाउटफुल है, उसी को चेक करना है आपने। व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन प्रोडक्ट ऑफ पोर्शन शुड बी नो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लीस्ट प्रिसीजन फैक्टर्स। तो ये सारे पुराने रूल्स हैं, आपको अभी देखना चाहिए कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने कहां तक देखना है, इनके थर्ड केस नंबर ऑफ फिगर्स नॉट इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन में प्रिसीजन मैटर्स। यानी कि 3.2 है तो आप उसको 3.3 कंसिडर कर सकते हैं, 5 से 0.5 से वो ऊपर जाएगा तो दैट मींस आप उसको नेक्स्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है जी, एसोसिएट विद एवरी मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी इज अ डायमेंशन, मास एंड टाइम सर्व्स एज द फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, आपने कोई वैल्यू को मेजर किया और आपने कैलकुलेट किया इज अ डायमेंशन, आपने या तो क्या आप मेजर कर रहे होंगे या कैलकुलेट कर रहे होंगे, कैलकुलेट मतलब इन फॉर्मूलाज में। तो हमारे पास ये तीन, इनको फंडामेंटल डायमेंशन हमने दे दिया है, मास एंड टाइम, इसके बाद सारी चीजें आगे चलेंगी। इट हेल्प्स आउट इन वर्किंग इक्वेशंस, इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली कांस्टेंट फॉर एनालाइजिंग एनी प्रॉब्लम। डायमेंशनली कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपकी जो ये सारी वैल्यूज है मास एंड टाइम, इनकी डिपेंडेंसी हमेशा आपस में जस्टिफाइड होनी चाहिए, यानी ये आपकी वैल्यूज एक दूसरे के बैलेंस सॉल्व कर रही हैं, तो ही आप अपने इक्वेशंस को वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, समरी ऑफ द चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, हम इसके डिस्कस कर चुके हैं वन चैप्टर नंबर 1 को, और चैप्टर नंबर 1 जो था वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड था। बाकी चीज ये है कि आपने बुक रीड लाजमी करनी है, मैं हमेशा बुक रीड करना जो है ना वो प्रेफर करता हूँ, और मैं इसको कंसिड्रेशन भी लेके आता हूँ, जो बच्चे इसको पढ़ते हैं दैट हैज अ स्ट्रॉन्गर कांसेप्ट। ठीक है, तो आप लाजमी बुक्स पढ़ें और बुक्स से रिलेटेड एग्जांपल जो है वो भी आपने खुद करनी है। तो एग्जांपल अगर मैं चैप्टर नंबर 1 बताऊँ आपको, चैप्टर नंबर 1 इज बेसिकली
यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड द वेक्टर्स, इसमें हमने अभी चैप्टर 1.6 तक कंप्लीट कर ली है. 1.6 अप टू व्हाट टिल 1.6 यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जांपल. उसमें आपने जाना है और आपने देखना है कि ये सारी हमने आज स्टडी की है, इसको कैसे हमने इन एग्जांपल्स में हमने उसको इंप्लीमेंट करना. ठीक है, तो ये आपने रीड भी करना है और ये देख भी लेना है. तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स और स्केलर्स को, और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. तो अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको जरूर जवाब देंगे. इवन अगर कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस स्टडी, और अगर आपने अभी ईमेल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अप टिल नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे एट द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ द टाइम टेबल. ठीक है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन की तरफ मूव करेंगे और आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे ये सारे के सारी फिलॉसफीज. अप टिल नाउ थैंक यू वेरी मच.